नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, बकरीद, कांवड़ यात्रा तथा सावन मेला की तैयारियों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सोमवार की रात्रि में दरोगा के लड़के की गोली मार कर हुई हत्या में वांछित एक अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। नगर निगमों से संबंधित जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए डेडिकेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के राज्यव्यापी टोल फ्री नंबर 1533 का नगर विकास मंत्री ने किया शुभारंभ। कहा, 1533 टोल फ्री नंबर पर शिकायतकर्ता दर्ज करा सकेंगे अपनी शिकायत। कंट्रोल रूम में किसी ने फोन नहीं उठाया तो शिकायतकर्ता की कॉल अपने आप सीधे लखनऊ से कंट्रोल रूम में हो जाएगा ट्रांसफर। निश्चित अवधि के भीतर गुणवत्ता परख होगा शिकायतों का निस्तारण। अमरूद बाग में हुई हत्या में वांछित एक शातिर अपराधी को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त गमछा, मृतक का चीलम किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। संभव पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगर विकास मंत्री ने की समीक्षा। नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने शिकायतकर्ताओं से किया संवाद। शिकायतों के त्वरित निस्तारण से शिकायतकर्ता दिखे संतुष्ट। जल शक्ति अभियान को लेकर भारत सरकार के ग्राम विकास विभाग के निदेशक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश में जनपद को मिला दूसरा स्थान। आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कहा, 5 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक अंत्योदय आयुष्मान पखवाड़े में 100% लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाने का रहेगा प्रयास। घर में घुसकर चोरी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 सीलिंग फैन मोटर, 1 टुल्लू पंप मोटर, 1 हैंडपंप सहित अन्य सामग्री किया बरामद, भेजा जेल। मानसून के मौसम में मच्छर जनित रोग, डेंगू, मलेरिया, बैक्टीरिया और वायरस से निपटने के लिए नगर निगम ने कसी कमर। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, प्रत्येक वार्डों में छिड़काव और फॉगिंग करने वाली टीमों द्वारा लगातार कराया जा रहा है फॉगिंग और छिड़काव। बीएड प्रवेश परीक्षा 51 केंद्रों पर सकुशल हुआ संपन्न। 22,600 परीक्षार्थियों में से 20,745 परीक्षार्थी परीक्षा में हुए शामिल। 1,855 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। और महानगर भाजपा के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में मनाया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया उन्हें याद, लिया गया उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था, बकरीद, कांवड़ यात्रा तथा सावन मेला के संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 तारीख को बकरीद और 14 जुलाई से सावन प्रारंभ हो रहा है। बकरीद की नमाज पर सभी मस्जिदों पर सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम किया जाए। उन्होंने कहा, सावन पर निकलने वाले कांवड़ यात्रा को देखते हुए सभी मार्गों को ठीक करवा दिया जाए। सभी मंदिरों पर साफ सफाई की व्यवस्था
व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, जिससे कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की असुविधा महसूस ना हो। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, आरटीओ अनीता सिंह, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आगे सर आज ये महत्वपूर्ण इसी में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री जी का और सभी अधिकारियों का, मुख्य सचिव साहब का मैं स्वागत करना चाहूंगा। सर आज आपने सभी मंडल आयुक्त, सभी जिलाधिकारी, सभी एडीजी, सभी आईजी, सभी डीआईजी, सभी एसएसपी, एसपी और नगर निगम और नगर पालिकाओं के अधिकारी और नगर आयुक्त को भी जो है आज आमंत्रित किया है, जिससे मैं नगर विकास विभाग के भी लोगों का प्रतिभाग है। सर ये जो आज बीसी आपने आयोजित की है, ये जो महत्वपूर्ण त्योहार अभी हाल में आने वाले हैं उनके संदर्भ में है, ईद उल जुहा बकरीद जिसको हम जानते हैं 10/7/2022 को बकरीद का त्योहार मनाए जाने की संभावना है सर, और बकरीद के त्योहार में 3 दिन तक लगभग जो है कुर्बानी अदा की जाती है और मऊ जनपद में केवल 4 दिन की कुर्बानी होती है। बकरीद के त्योहार में जो संयुक्त मीटिंग करना है, जो बैठकें करनी है, जो सिविल डिफेंस और शांति समिति की बैठक करनी है, जो नमाज और कुर्बानी की विशेष सतर्कता बरती जा रही है और विशेष रूप से जो सोशल मीडिया को मॉनिटर करना है, उस पर आज चर्चा हमारे अलग अलग अधिकारी करेंगे सर। इसके साथ साथ सर 14 तारीख से श्रावण मास शुरू हो रहा है, ये पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण मास है क्योंकि विभिन्न त्योहार पड़ते हैं और 14/7 से लेकर 12/8 तक 12 अगस्त तक ये चलेगा और इसमें 26/7 को श्रावण शिवरात्रि का जो है त्योहार मनाया जाएगा। कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार की रात्रि में दरोगा के लड़के की गोली मारकर हत्या करने में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को तरंग ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान दिनेश कुमार पासवान उर्फ मुन्ना पुत्र रामचंद्र पासवान निकट दुर्गाबाड़ी रोड निकट गंगेज होटल थाना कोतवाली गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि 5 जुलाई को
आदमी की तहरीर के आधार पर मुन्ना काजन मिश्रा, शैलेंद्र यादव, प्रदीप सिंह, पुत्रगण सहित निवासीगण अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। उन्होंने बताया कि 5 जुलाई को मजरूब रोहित सिंह पुत्र रामाकांत सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट ताड़ी, बड़ा गांव पुरैनी, थाना नगरा, जिला बलिया, हाल मोहल्ला इलाहीबाग, थाना तिवारीपुर, गोरखपुर को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इलाज हेतु लखनऊ ले जाते समय मृत्यु हो गई, जिसके फलस्वरूप घटना में अभियोग की धारा को परिवर्तित करते हुए नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें बनाकर दबिश दी गई, जिसके फलस्वरूप इस अभियोग में नामित अभियुक्त दिनेश कुमार पासवान उर्फ मुन्ना पुत्र रामचंद्र पासवान निवासी दुर्गाबाड़ी रोड निकट गंगेज होटल थाना कोतवाली गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ करने पर बताया गया कि कल हम लोग मानस टाकीज के पीछे शैलेंद्र यादव के मकान पर दावत खा रहे थे, उसी समय हमारे दोस्त काजन मिश्रा पुत्र स्वर्गीय राम बिहारी मिश्रा निवासी अलीनगर चौबे टोला थाना कोतवाली गोरखपुर द्वारा एक व्यक्ति रोहित सिंह पुत्र रमाकांत सिंह निवासी मोहल्ला इलाहीबाग थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर, जो मूल रूप से ग्राम ताड़ी बाड़ा गांव पुरैनी थाना नगरा जिला बलिया के रहने वाले हैं, गोली मार दिया था तथा काजन मिश्रा और रोहित सिंह के बीच रुपए व जमीन की लेन देन को लेकर काफी दिनों से मनमुटाव था, इसलिए हम लोग एक राय होकर रोहित सिंह को जान से मारने के उद्देश्य से ही दावत के बहाने शैलेंद्र यादव के घर बुलाए थे, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उप निरीक्षक अजीत कुमार चतुर्वेदी, धर्मवीर सिंह, चंद्रभान सिंह, कांस्टेबल अरविंद कुमार यादव, मंतोष यादव, प्रवीण कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, शैलेंद्र यादव क्या ऐसा जो कोतवाली सुनने में आ रहा कि गाजीपुर में और अन्य पता कराएंगे शाम तक हो जाएगा जो तीन लोग आरोपी फरार रहे जो गिरफ्तारी के लिए का इनाम नाम भी रखा जा रहा है। पर पूर्णतः अंकुश लगाने के क्रम में कल रात्रि को सूचना मिली कि एक अभियुक्त जो कि हत्या का अभियुक्त है और भाग रहा है, उसको थाना कोतवाली द्वारा गिरफ्तार किया गया है। घटना होने के 24 घंटे के अंतर विदिन 24 आवर्स उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना 4 तारीख की शाम को 11:30 बजे की है, जब 4 दोस्त अपने एक शैलेंद्र यादव के घर के बाहर बैठ के पार्टी कर रहे थे। उसी पार्टी के बीच में काजन मिश्रा नाम के व्यक्ति द्वारा रोहित सिंह नामक दोस्त को सीने में गोली मारी, उसकी वजह से वो घायल हो गया। घायल होने के बाद उसको BRD मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया, यहाँ से लखनऊ रेफ़र किया। रास्ते में उसकी अगले दिन 5 तारीख को सुबह को 9 बजे उसकी मृत्यु हो गई। थाना कोतवाली में 302 का मुकदमा दर्ज हुआ एवं 4 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ तहरीर दी गई थी। उनमें से एक व्यक्ति जिसको अभी दिनेश कुमार पासवान और मुन्ना, इसको थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अभियुक्त अभी वांछित है, उनके खिलाफ धरपकड़ जारी है। शीघ्र ही उनके भी गिरफ्तारी कर उनको भी जेल भेजा जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, जिसमें काजन मिश्रा जिसने गोली चलाई और रोहित सिंह जिसको गोली लगी, दोनों आपस में गहरे मित्र हैं, बचपन के मित्र थे। इनके बीच में 5,20,000 रुपये के लेन देन को लेकर गोली चली, जिसमें 2,00,000 रुपये नकद देना बताया गया है एवं 3,20,000 रुपये सोना गिरवी रख के उसने देना बताया है। अब ये पैसा कल रोहित सिंह द्वारा बताया गया कि मुझे आज ही चाहिए पैसा, एवं बाद में रात में पार्टी के समय काजन मिश्रा ने पैसा ना देने या फिर उससे निपट लेने के चक्कर में उसको गोली मारी, जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई। आरोपी का ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन CCTV से एवं अन्य सूत्रों से किसी अन्य जनपद या फिर अन्य प्रदेश में कार्य कोई है तो उसका भी खुलासा किया जाएगा। जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए डेडिकेटेड कमांड एवं
कंट्रोल सेंटर की व्यवस्था को सफल बनाने के लिए नगर निगम के न्यू बिल्डिंग के मीटिंग हॉल में नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने राज्यव्यापी टोल फ्री नंबर 1533 का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि 1533 टोल फ्री नंबर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में डायल करने पर नगर निगम के कंट्रोल रूम में फोन लगेगा, जहां पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। यदि कंट्रोल रूम में किसी के द्वारा फोन नहीं उठाया जाता है तो शिकायतकर्ता की कॉल अपने आप सीधे लखनऊ से कंट्रोल रूम में ट्रांसफर हो जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम के कंट्रोल रूम में 5 कंप्यूटर के साथ साथ 2 BSNL के नंबर भी लगाए गए हैं। इनके साथ और कर भी लगाए गए हैं ताकि 5 कंप्यूटर पर कार्यरत रहें तथा जो भी शिकायत आती है वह सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्ज हो जाएगी और एक निश्चित अवधि के भीतर गुणवत्ता के साथ उसका समाधान किया जाएगा। इस महीने के अंदर कंट्रोल रूम को पूरी तरह से तैयार कर दिया जाएगा ताकि गोरखपुर की जनता को सुविधा मिल सके। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र, महाप्रबंधक जलकर रमेश रघुवंशी सहित नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, पहली बार नगर विकास विभाग में नगर निगमों से या नगर निकायों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए हम आज शुरू कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक शुरुआत है। बड़ी मुश्किल से भारत सरकार से 4 digit का हमको नंबर मिला, 2-3 महीने पहले हमने अपने प्रयासों से लिया था, वो 4 digit नहीं दे रहे, 15 digit हुई होगी, 5 digit ही मिलता है। तो DCCC के अंतर्गत ये 1533 सेवा चलेगी। आप सबसे विशेष रूप से मेरा आग्रह है कि आप नगर निगमों में जो IEEE की व्यवस्था है उसी में DCCC को भी समाहित करते हुए 1533 की व्यवस्था बनाइए। 2-3 टेलीफोन लाइनें आपकी 24 घंटे चलनी चाहिए, नगर निगमों में विशेष रूप से 24 घंटे मेरा आग्रह पूर्ण चाहिए और किसी भी नागरिक की इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई है कि कोई व्यक्ति अगर आपके उस क्षेत्र से फोन करता है 1533 पे तो वो कॉल जो है आपके ही कंट्रोल रूम में जा करके रेंट करेगी। तो जाता है इन्फॉर्मर के साथ आप 1533 कहिए, ये आपकी व्यवस्था है, कोई JK शर्मा की या मुफ्ती की या डायरेक्टर लोकल बॉडीज की या नगर विकास विभाग की व्यवस्था नहीं है, ये आपकी व्यवस्था है। आप जनता से जुड़े, जनता आएंगे या नगर वाली बैठेंगे, आपकी शिकायतें सुनेंगे। किसी को शौक नहीं है कि नगरी से निकल करके लखनऊ आओ, किसी को शौक नहीं है कि बढ़िया से निकल करके बेचारा सुबह 4 बजे चल करके आए। बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं कंट्रोल रूम में? तो आपको आवाज मिल रही है? आप सभी लोगों को आवाज मिल रही है मेरी? बस मंत्री जी अगले 5 मिनट में आने वाले हैं और मैं मेरा सभी से अनुरोध है कि आप लोग म्यूट पे रखेंगे, जिससे कहा जाएगा वही बात करेंगे। विशेषकर अपने आप को ध्यान दें, या तो उनको म्यूट कर दें यहाँ से या फिर अपने आप को ठीक कर लीजिए। आपके जीते जब ठीक कह रहा है बार बार उसको बदल करके कंट्रोल रूम में म्यूट कर लीजिए और दूसरा अगर 2 बजे म्यूट करिए अपने आप को और वो वीडियो दिखाई दे तो हमें ब्लॉक कर देंगे जी। बाकी सबका ठीक है जो हम लोगों ने
मीडिया के मित्रगण, आज से एक नगर विकास विभाग में एक बहुत ही नई और ऐतिहासिक पहल हम लोग करने जा रहे हैं। आपने टोल फ्री नंबर का कॉन्सेप्ट सुना होगा, कुछ वर्षों पहले 3 डिजिट के टोल फ्री नंबर मिल जाएगा मिलते थे, उसके बाद जब वो सीरीज पूरी हुई तो अब 4 डिजिट के कुछ साल पहले तक मिलते थे, अब वो 4 डिजिट की पूरी हो गई है, 5 डिजिट के टोल फ्री नंबर भारत सरकार का टेलीफोन डिपार्टमेंट टेलीकॉम डिपार्टमेंट देने लगा है। लेकिन मैं 2 महीने पहले मंत्री बनने के बाद भारत सरकार में टेलीकॉम सेक्रेटरी से मैंने निवेदन किया कि कहीं खोजिएगा कहीं कोई आपका 4 डिजिट का फी नंबर बड़ा हो तो उनको दे रही है, तो उन्होंने मेहरबानी करके हमको 1533 रुपये ऐलान कर दिया था। बाबा मुझे खुशी है कि 1533 नंबर हमारे नगर विकास विभाग की सभी नगर निगमों सभी नगर निकायों, अभी हम 75 जिलों में और अपने सभी नगर निगमों में हम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम उनको सभी नगर पालिकाओं में सभी नगर पंचायतों में भी ले जाएंगे। तो आज इस सेवा की हम शुरुआत कर रहे हैं। इस सेवा का एक मुख्य जो अंश है वो ये है कि एक तो 1533 नंबर 4 डिजिट का है, याद करने में आसान है, इसलिए जनता के लिए बड़ा सुलभ और आसान रहेगा, ये सोच करके हमने लिया था। दूसरा, कोई व्यक्ति अपने जिले में से अपने नगर निकाय के क्षेत्र में से अगर फोन करता है तो उसकी फोन की जो कॉल है वो उसी नगर निगम के कंट्रोल रूम में जा करके देनी होगी और वो नगर निगम जो है उसे अपेक्षित है कि उस कॉल पे और सिग्नल वाई के उसके बाद अपेक्षित होगा करेगा। अगर वहाँ स्थानीय स्तर पे वो कॉल उठाई नहीं गई तो ऑटोमेटिकली वो कॉल जो है वो यहाँ हमारे यहाँ इस वो यहाँ और इस तरह की 1912 हमारे मेरे विभाग में चलता है 10 नब्बे महिला शिकायत थी 1533 पे, तो उसको आसानी से हम लोग उस शिकायत को दर्ज कर पाएंगे, उसमें जो भी करना होगा आवश्यक कार्रवाई कर पाएंगे। तो इस भावना के साथ ये सेवा आज हम आपको ही अर्पित कर रहे हैं, ये हमारी सेवा नहीं है, ये मित्रों आप सब समर्पित कर रहे हैं। उसके जो कुछ प्रमुख भाग है वो मैं खाली आपके ध्यान में रहे इसलिए मैं बताना चाहूँगा। मैंने जैसा कहा कि एक तो ये आसान सा नंबर है, सबको आसानी से याद हो जाएगा, लैंड होगी ये हम लोगों ने उसकी व्यवस्था की है, और हमारा जो कंट्रोल रूम है अभी हमने शुरुआत में सुबह 5 बजे से रात को आगे कम से कम नगर निगम आपका वैसे भी इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर में 24 घंटे की ये सेवा अपेक्षित थी, लेकिन कहीं चलता था कहीं नहीं चलता था। सर पूरी तरह से सर रेडी हो गया है सर, हमने सर अपने कंट्रोल रूम में सर 5 कंप्यूटर और 2 लैंडलाइन सर BSNL का सर वर्क कर रहे हैं सर, और हमने सर 8 ऑपरेटर की ड्यूटी लगा दिया है सर, और हमने अभी चेक कर लिया है सर, अभी मैं दिखाना भी चाहूंगा सर कि हमारे पास हाँ जो 15 टैग सर मैं दिखा रहा हूँ सर, सर सर ये घंटी बज रही है सर, आप देख रहे हैं घंटी सर सर आवाज आ रही होगी सर, हाँ ठीक है मान लिया बस, तो आप लोग इसको इसको अच्छे से चलाइए सर। गोराबाद मेयर साहब बैठे हैं, मेयर साहब का भी अभिमत जान लिया जाए सर, सर गोरखपुर के मेयर साहब भी बैठे हैं, थैंक यू गोरखपुर सर। तो एक नगर विकास विभाग के द्वारा माननीय मंत्री जी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशन के क्रम में जो एक शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायतों को सुनकर उसकी उच्च कोटि की गुणवत्ता के साथ उनका समाधान करने के परिप्रेक्ष्य में ही जो शहरों में साफ सफाई सीवर
पेयजल, स्ट्रीट लाइट आदि जो इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई शिकायतें होती हैं, इनके समाधान के लिए एक टोल फ्री नंबर 1533 का शुभारंभ माननीय मंत्री जी नगर विकास के कर कमलों के द्वारा किया गया है। इस नंबर पर आने वाली जो कॉल हैं वो संबंधित जिलों के निकायों में सीधे सीधे इसको ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी और एक तय समय के भीतर इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। ये समस्याएं जो आएंगी, अभी हम लोगों ने इसको अपने यहाँ चेक भी किया और अभी माननीय मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो गोरखपुर का सिस्टम था उसको उन्होंने देखा भी। हमने अपने कंट्रोल रूम में 5 कंप्यूटर के साथ साथ 2 BSNL के हमारे पास से नंबर हैं जो कि वर्क कर रहे हैं और इस पर हमने 8 जो है वर्कर लगाए हुए हैं जो कि अपने 5 कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं लगातार। इसके साथ ही साथ कहीं से कोई भी जो भी शिकायत आएगी वो शिकायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्ज हो जाएगी और एक निश्चित अवधि के भीतर उसका उचित गुणवत्ता के साथ जो है उसका समाधान कर दिया जाएगा। और अगर तयशुदा समय के भीतर कहीं से भी डिले होता है अगर या उस समय के भीतर नहीं पूरा हो पाता है तो तत्काल उसके आपके पास जो है फिर से रिमाइंडर आ जाएगा कि तत्काल इसका आप समाधान करें और समाधान करके अवगत कराएं। तो निश्चित रूप से एक जो शिकायतों के उच्च कोटि की गुणवत्ता के साथ समाधान की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम है और यह आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले इसी महीने के भीतर ही इस कंट्रोल रूम को हम पूरी तरह से एकदम कह सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन कर दें और जिससे कि यह आम गोरखपुर की जो आवाम है, गोरखपुर शहर की जो जनता है, उसको निश्चित रूप से बहुत फायदे होंगे। राजघाट थाना क्षेत्र में मंगलवार को अमरूद बाग में हुई हत्या में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को राजघाट पुल के नीचे बैकुंठ धाम के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान सनी उर्फ सनी पुत्र अशोक साहनी निवासी अमरूद बाग चकरा अव्वल थाना राजघाट जिला गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास निशानदेही पर अमरूद बाग चक्रा अव्वल से आला कत्ल गमछा पीले रंग का व मृतक का चीलम बरामद किया गया। SP सिटी ने बताया कि 5 जुलाई को नंदकिशोर भारती पुत्र स्वर्गीय रामजतन निवासी हतवा टोला जंगल एकला नंबर 2 थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। 4 जुलाई को मृतक हरिओम पुत्र नंदकिशोर भारती निवासी हतवा टोला जंगल एकला नंबर 2 थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर साय अमरूद बाग चक्रा अव्वल नशा करने आया था एवं रात 7-8 बजे के बीच हरिओम उपरोक्त गांजा पीने के लिए अमरूद बाग चक्रा अव्वल में था, जहां पर उसके 2 साथी सनी उर्फ सनी पुत्र अशोक साहनी तथा विकास उर्फ राम चेलू पुत्र स्वर्गीय कुमार निषाद निवासी गढ़ अमरूद बाग चक्रा अव्वल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर भी हरिओम के साथ गांजा पी रहे थे एवं हरिओम के द्वारा चीलम की साफी न देने की बात को लेकर तीनों आपस में झगड़ने लगे, क्योंकि हरिओम अत्यधिक नशे में था इसलिए सनी उर्फ सनी एवं विकास उर्फ रामचेलू ने मिलकर गमछे से गला कसकर हरिओम की हत्या कर दी। अभियुक्त सनी उर्फ सनी एवं विकास उसी दिन से फरार चल रहे थे, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक अनुप कुमार मिश्र, हेड कांस्टेबल हरेंद्र सिंह, कांस्टेबल मंगलदीप यादव, सतीश कुमार, देवेंद्र यादव, कुंदन कुमार, रवि कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, और कहीं करना है ये? जब से हेलमेट नहीं पहनते हैं तब से हमारे मित्र जानते नहीं थे आपस में एक दूसरे को, मतलब जानते, मतलब उनको नहीं पता ये गुलेरिया का रहने वाले हैं, जबकि ये दोनों अभियुक्त हैं, ये दोनों गुलेरिया के यहाँ के अमरदानी के रहने वाले हैं। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए SSP महोदय के निर्देशन में कल एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें
4 तारीख की शाम को 7-8 बजे अमूरतानी बाग राजघाट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली थी। कल प्रातः पुलिस टीम मौके पर गई, पाया गया कि एक व्यक्ति जिसकी गला घोट के हत्या कर दी गई है। इस पर थाना प्रभारी राजघाट संजय कुमार मिश्रा एवं उसकी टीम के द्वारा विद इन 24 आवर्स हत्या की इस घटना का सफल अनावरण किया है। एक अभियुक्त सन्नी पुत्र अशोक, उसको गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ पे पता चला है कि अभियुक्त एवं एक रामचेलू करके एक और वांछित है, वो और मृतक हरिओम भारती तीनों बैठ के गांजा पी रहे थे। ये चिलम पीने को लेकर विवाद हुआ था, चिलम में साफ़ी लगाने या ना लगाने के ऊपर विवाद हुआ। इसमें रामचेलू एवं सन्नी दोनों ने उस व्यक्ति की पीले गमछे से गला घोट कर हत्या कर दी एवं उसके बाद में वहां से फरार हो गए। इस हत्या का सफल अनावरण करने में थाना के दो कांस्टेबल मंगलदीप एवं देवेंद्र यादव का बहुत अच्छा रोल रहा है। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी दिया गया है। ये लोग पेंटिंग का काम करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग का, घरों में एवं नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं। और अमूरतानी क्षेत्र जो कि एक जनपद का हॉटस्पॉट भी है क्राइम के पर्सपेक्टिव से, वहाँ पे ये लोग प्रतिदिन आया जाया करते थे। सन्नी पुत्र अशोक का आपराधिक इतिहास है, ये अभी 15 दिन पहले ही जेल से NDPS में छूट के आया है। नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा द्वारा संभव पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण, नगर निगम की न्यू बिल्डिंग के मीटिंग हॉल में सभी समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई, जिसमें समीक्षा बैठक नगर विकास मंत्री द्वारा संभव पोर्टल से कुल 17 शिकायतों का निस्तारण किया गया तथा नगर विकास मंत्री ने उन 17 शिकायतकर्ता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात भी की, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि जन संभव सुनवाई दिवस प्रत्येक सोमवार को नगर पालिका और नगर पंचायतों में 10 बजे से 2 बजे तक मनाया जाता है। इसमें क्षेत्र की जो भी शिकायतें, सड़क, पानी, नाली सहित जो भी शिकायतें तुरंत निस्तारण हो। उन्होंने बताया कि संभव पोर्टल द्वारा शिकायतें आती हैं, उसे महीने में एक बार नगर विकास मंत्री द्वारा समीक्षा की जाती है। जो भी शिकायतें आई रहती हैं वह लखनऊ से ही शिकायतकर्ता से बात करके वहीं से उनका निस्तारण करते हैं और शिकायतकर्ताओं से जानकारी लेते हैं कि जो भी उनकी शिकायतों का निस्तारण किया गया है उससे वह संतुष्ट हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि नगर के बेतियाहाता से सतीश कुमार नायक द्वारा संभव पोर्टल पर सीवर लाइन को लेकर शिकायत थी, जिससे शिकायत की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जलकल की टीम को मौके पर भेजकर मौके पर जाकर चैम्बर बनाने में 2.5 लाख का कुल एस्टिमेट बनाया गया, जिस पर टेंडर कराकर 3x5.5 मीटर का डीप चैम्बर बना दिया गया। इस चैम्बर को सीवर लाइन को जोड़ दिया गया। अब नगर निगम की त्वरित कार्रवाई से शिकायतकर्ता सतीश कुमार नायक भी संतुष्ट हैं। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र, महाप्रबंधक जलकल रमेश चंद्र रघुवंशी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, इस भावना के साथ इस पहली बार के इस सेटअप को आप अच्छा ठीक है सर, मैं ठीक कर ले रहा हूँ। मेरा अरुण कुमार गुप्ता होटल आयुक्त बोल रहा हूँ। नगर आयुक्त साहब बोल रहे हैं आपके? नगर आयुक्त साहब ये की बैठक चल रही है, तो 12 बजे की बैठक चल रही है। मुझे दिख रहा है फिरोजाबाद प्रयागराज उनकी मुरादाबाद बरेली वहाँ की तैयारियां आप करा लें, उसी हिसाब से उसको एक्टिवेट करना है। वहाँ पे सबको निर्देश दे दिया गया है, टेस्टिंग फॉर्मल टेस्टिंग हो गई, तो आप लोग वहाँ पर लेकिन अब मुझे बताया जा रहा है कि कोई वहां खुदाई का काम है जहां गहराई ज्यादा, ऐसा मुझे कहा गया है। मैं इस बात सवाल है क्या नहीं, लेकिन प्रार्थी को एक टाप भी बता रहे हैं कार्रवाई करके
नियम से जो भी संगत वो है नियम संगत जो भी इस कार्य को आगे बढ़ा दे और बताइए उसे क्या नवीन जी है जी नमस्कार सर सोनीपत हरियाणा से क्या समस्या है आपकी सर 28 को दिया जी इतने साल को पेंशन के लिए ग्रेच्युटी के लिए सर और छाड़ना तो नहीं किसी नगर अभी क्या है सर सर इसको सर मैंने पूरा दिखवाया है सर श्री सतीश कुमार जी की सर हमारे पास सर क्या समस्या थी सर वहाँ पर उन्होंने शिकायत की थी सीवर लाइन आवाज आपकी नहीं माइक करो सर सीवर लाइन जो थी सर उसके जाम होने की शिकायत थी सर और हमने सर टीम को वहाँ मौके पर भेजा सर तो ये पाया कि सर सीवर लाइन काफ़ी पुरानी एवं ओवरलोड थी सर तो इसके बाद हमने सर उसको जल कल के हमारे जीएम साहब गए वहाँ पे निरीक्षण करा के सर 2.5 लाख का इसका एस्टिमेट बना सर और उसके बाद हमने टेंडर किया सर और टेंडर करने के बाद सर जो दो हमारे चैम्बर के बीच में सीवर लाइन चौक हुई थी सर वहाँ पर सर 3x5.5 मीटर का सर डीप चैम्बर सर हमने बनवा दिया है और उस डीप चैम्बर से लाइन को सर जोड़ दिया है अब वर्तमान में कोई भी समस्या नहीं है सर मेरे अपर नगर आयुक्त साहब की सर और जलकल के जीएम साहब की सर मिस्टर सतीश कुमार से पूरी बात अभी हो गई है सर और सतीश कुमार के पास मेरे सर इस वक्त एक जेई साहब भी मौजूद हैं सर वहाँ पर ठीक है बहुत अच्छा सर कोई समस्या नहीं सतीश कुमार जी अगर आप ऑनलाइन है तो इसको कैनाल का सीट में कन्वर्ट करने के लिए लगे तो ये शायद मशीन की इसको सफाई करते वक्त वहाँ पे कोई पाइपलाइन थी वो लग गई थी जिससे पानी जो मिक्स हो गया एक रिटायर्ड हूं 65 साल का इंसान सुबह झाड़ू मारना सारी नाले की दीवार पर मैंने भारत सरकार की योजना पेंट कर लिया आप इस तरह से लोक सेवा करते रहिए हम आगे बढ़ते हैं और महेंद्र जी आप देख दिखवा दीजिए आप सर इस पर ध्यान दीजिए जो भी काम हो चुका है उसके लिए बधाई आप सबको जो बाकी हो उसको आप पूरा करवाइए मथुरा चलेंगे हो गया है पीएम सोनी जी का आप संतुष्ट हैं सुख जी जैसा कि आपके संज्ञान में है प्रत्येक मंगलवार को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक संभव जन सुनवाई दिवस के रूप में प्रत्येक नगर निगम में मनाया जाता है और इसी प्रकार से जन संभव सुनवाई दिवस जो है प्रत्येक सोमवार को नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में इसको मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पूरे नगर निगम के क्षेत्र से जो भी शिकायतें हैं चाहे वो सड़क पानी नाली नाला स्ट्रीट लाइट आदि के संबंध में उनको जो शिकायतें आएं उनका त्वरित निस्तारण हो और संभव की जो शिकायतें आती हैं इसका महीने में एक बार माननीय मंत्री जी नगर विकास विभाग के स्तर से इसकी पूरी समीक्षा की जाती है और उसमें से वो हर निकायों से कुछ सेलेक्टेड शिकायतों को चयन करते हैं और उसकी शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता का की जांच करते हैं कि जो भी शिकायतें आई थी उन शिकायतों का जो निस्तारण किया गया है उस शिकायतों के निस्तारण से संबंधित शिकायतकर्ता कितना संतुष्ट है और वो वहीं से लखनऊ से ही समीक्षा बैठक में ही उन शिकायतकर्ताओं से भी सीधे बात करते हैं और उनसे पूछ जानते हैं कि क्या जो शिकायत का निस्तारण किया गया है उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि नहीं। अधिकांश में समीक्षा बैठक में देखा गया है कि वो जो लोग शिकायत करते हैं वो शिकायतों के निस्तारण से संतुष्ट रहते हैं लेकिन कुछ मामलों में जहां शिकायतों पूरी तरह का शिकायतों का समाधान नहीं हो पाता है माननीय मंत्री जी के स्तर से इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शिकायतों का 100% निस्तारण सुनिश्चित किया जाए अर्थात शिकायतकर्ता को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाए। तो आज उसी की कड़ी में संभव जो समाधान दिवस है उसी की समीक्षा माननीय मंत्री जी के स्तर से की जा रही थी जिसमें कि गोरखपुर नगर निगम का भी एक प्रकरण था जो कि बेतियाहाता क्षेत्र में जो सीवर की लाइन थी उसके चोक हो जाने की समस्या थी। आज जब इसकी शिकायत की गई थी हम लोगों ने तत्काल टीम मौके पर भेजा था और जब पाया कि यह लाइन जो है बहुत पुराने पहले समय की पड़ी हुई है और इसके ऊपर वक्त के साथ जो पॉपुलेशन का प्रेशर है वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ने की वजह से ये
चोक हो गई है। तो हम लोगों ने तत्काल पूरा इसका एस्टीमेट बनवाया था, 2.5 लाख रुपए का एस्टीमेट बना और हम लोगों ने फिर इसका टेंडर निकाल कर जहाँ पर जितना एरिया चोक था वहाँ पर हम लोगों ने उसको काट दिया और काट कर वहाँ पर डीप जो है सीवर चैम्बर बनवा कर उस नाली को जोड़ दिया गया। तो इससे जो शिकायतकर्ता थे वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गए और अब जो चोक की जो सीवर जाम की समस्या थी या सीवर वो फ्लो की समस्या थी वो समस्या ख़त्म हो गई। इस बात को माननीय मंत्री जी ने सीधे उस शिकायतकर्ता से भी बातचीत किया और उसकी संतुष्टि जाननी चाहिए कि वो संतुष्ट हैं कि नहीं। ये निस्संदेह बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि ये बेहतरीन प्रयास है कि जिससे कि शिकायतकर्ता से भी बात करके उसकी भी मंशा जान ली जाती है कि जो कार्य किया गया है उससे वो संतुष्ट है कि नहीं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, बकरीद, कावड़ यात्रा तथा सावन मेला की तैयारियों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सोमवार की रात्रि में दरोगा के लड़के की गोली मार कर हुई हत्या में वांछित एक अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने किया खुलासा। नगर निगमों से संबंधित जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए डेडिकेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के राज्यव्यापी टोल फ्री नंबर 1533 का नगर विकास मंत्री ने किया शुभारंभ, कहा 1533 टोल फ्री नंबर पर शिकायतकर्ता दर्ज करा सकेंगे अपनी शिकायत। कंट्रोल रूम में किसी ने फोन नहीं उठाया तो शिकायतकर्ता की कॉल अपने आप सीधे लखनऊ से कंट्रोल रूम में हो जाएगा ट्रांसफर। निश्चित अवधि के भीतर गुणवत्ता परख होगा शिकायतों का निस्तारण। अमरूद बाग में हुई हत्या में वांछित एक शातिर अपराधी को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त गमछा, मृतक का चीलम किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। संभव पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगर विकास मंत्री ने की समीक्षा। नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने शिकायतकर्ताओं से किया संवाद, शिकायतों के त्वरित निस्तारण से शिकायतकर्ता दिखे संतुष्ट। जल शक्ति अभियान को लेकर भारत सरकार के ग्राम विकास विभाग के निदेशक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश में जनपद को मिला दूसरा स्थान, आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कहा, 5 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक अंत्योदय आयुष्मान पखवाड़े में 100% लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाने का रहेगा प्रयास। घर में घुसकर चोरी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 सीलिंग फैन मोटर, 1 टुल्लू पंप मोटर, 1 हैंडपंप सहित अन्य सामग्री किया बरामद, भेजा जेल। मानसून के मौसम में मच्छर जनित रोग, डेंगू, मलेरिया, बैक्टीरिया और वायरस से निपटने के लिए नगर निगम ने कसी कमर, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, प्रत्येक वार्डों में छिड़काव और फॉगिंग करने वाली टीमों द्वारा लगातार कराया जा रहा है फॉगिंग और छिड़काव। बीएड प्रवेश परीक्षा 51 केंद्रों पर सकुशल हुआ संपन्न, 22,600 परीक्षार्थियों में से 20,745 परीक्षार्थी परीक्षा में हुए शामिल, 1,855 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। और महानगर भाजपा के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में मनाया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस, उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया उन्हें याद, लिया गया उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब
पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसढ़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगो की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत सरकार के ग्राम विकास विभाग के निदेशक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जल शक्ति अभियान को लेकर विकास भवन के सभागार में विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान निदेशक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जनपद के सभी क्षेत्रों के पानी को चेक किया जाए, क्योंकि इस समय बरसात का सीजन चल रहा है, पानी खराब होने का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए पानी की जाँच हो जिससे लोगों को शुद्ध पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर अभियान के तहत 15 अगस्त तक जनपद के हर एक गांव में अमृत सरोवर बनना है। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, उस क्षेत्र की मिट्टी को जांच कराकर रिपोर्ट प्रेषित किया जाए, जिससे कि मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सके। इस अवसर पर वैज्ञानिक उमार रेड्डी, CDO संजय कुमार मीना, DFO विकास कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो उसकी ट्रेनिंग दिलवा रहा है, महिलाएं सब चेक करेंगी भूमि, शायद बोला वही इससे बढ़ता है टेक्निकल नहीं, उसमें तो आप करवाओ ना भूमि संरक्षण को, भूमि का संरक्षण तो वो बहुत काम करेगा। क्योंकि वो उसमें भी देखो तो और उसमें भी आ गया, मतलब आप संरक्षण कर लिए, चीज़ों को सही कर दिए, तो पानी की कम मतलब कम मतलब वो सारी चीज़ें एक साथ चलती है। ऐसा नहीं चुप करते कि आप प्लांटेशन में लगे तो प्लांटेशन को क्या करा रहे हो। तो कुछ ना वो बताएंगे, कुछ क्या है क्या 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 चल रहा है, जल शक्ति अभियान है वही कह रहा हूँ, तालाब तो एक ही साथ में बनवाऊँ ना मनरेगा है, आज खाली हो जाएंगे परीक्षा से अपने नॉर्मल स्टडी सर्विस से, लेकिन फिर 5 साल से जो ग्राम विकास में अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करोगे करोगे तो अच्छा लगेगा। आप लोग बताओ, आप लोग किस विभाग से, अभी बताए जल निगम वाले से बात हो गई, आप सब लोग जल निगम से
तो पानी को टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं कुछ? जी सर। तो क्या पानी मतलब क्या पानी सही है, पीने वाला पानी जो है सही है, मतलब सारे कंटेंट सही है रहता है? जी सर सही है। और बाकी जो इस डिस्ट्रिक्ट में अगर बोले तो पानी में क्या प्रॉब्लम है जो सर वो बहती है? आर्सेनिक की वजह से कुछ बोलते हैं यहाँ पर क्या है? नहीं बता, मैं तो एग्जाम्पल दिया यहाँ पर वाटर का क्या है, टेस्ट आप लोग क्या फ्रीक्वेंसी में करते हैं, कितने दिन में टेस्ट करते हैं पानी में? आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश में जनपद को दूसरा स्थान मिला है। जनपद में करीब 5,30,000 लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जन आयोग अभियान के द्वारा 5 जुलाई से 20 जुलाई तक एक पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन सके। जिसके संबंध में आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि लगातार कैंप के माध्यम एवं अथक प्रयासों से आयुष्मान कार्ड बनाने में जनपद दूसरे स्थान पर आया है, लेकिन 20 लाख आयुष्मान लाभार्थियों के सापेक्ष अभी तक 5,30,000 आयुष्मान कार्ड बना पाए हैं। इसी को देखते हुए एक अभियान चलाया गया है। इस अभियान के दौरान कोशिश रहेगी कि 100% लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए तथा क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता और कोटेदार को भी निर्देशित किया गया है कि आयुष्मान पात्र लाभार्थियों को कार्ड बनवाने में मदद करें। आयुष्मान कार्ड होने से हर लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा आकस्मिक परिस्थितियों में मिल सकेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कहा, हाँ, इस बारे में मुझे ये कहना है कि बड़ी खुशी की बात है कि अथक प्रयासों से और लगातार कैंप के आयोजन के कारण से हमारे जनपद में आयुष्मान कार्ड की संख्या के मामले में हम लोग प्रदेश में दूसरे स्थान पर हैं। परंतु अभी हमें बहुत प्रयास करने हैं। अभी 20 लाख की आयुष्मान लाभार्थियों के सापेक्ष हम 5,30,000 कार्ड ही बना पाए हैं, तो इसके लिए सतत प्रयास हम लोगों के स्तर से किया जा रहा है। और हमारे प्रदेश के हमारे जनपद के जो लाभार्थी हैं जो इस योजना के तहत अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, जिनकी सूची में नाम है, जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, उन सबसे हम अपील भी करना चाहेंगे कि वो आगे बढ़ कर के अपने नज़दीकी शहर जनसेवा केंद्र से, जन सुविधा केंद्र से, या अपने ब्लॉक के अस्पताल सरकारी अस्पताल से जा कर के ये कार्ड बनवा सकते हैं जिनके कार्ड नहीं बने हैं। हमारे जनपद में 5 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक एक अंत्योदय आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सारे सहज जनसेवा केंद्र, जन सुविधा केंद्रों पे और ब्लॉकों पे, ब्लॉक में जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे आरोग्य मित्र होते हैं, उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। और ख़ास करके अंत्योदय कार्ड धारक जो लोग हैं उनके लिए ये विशेष रूप से पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। तो कृपया इस पखवाड़े का लाभ उठाएं और जितने भी जनपद में अंत्योदय कार्ड धारक हैं वो सबसे मैं प्रार्थना करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि वो लोग इस पखवाड़े के अंतर्गत अपने आयुष्मान कार्ड बनवा लें।
शाहपुर पुलिस ने घर में घुसकर चोरी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को छावनी स्टेशन क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान दीपक कुमार पुत्र इंद्रजीत प्रसाद निवासी जीतपुर दरगहिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 2 सीलिंग फैन मोटर, 6 सीलिंग फैन पत्ती जेक, एग्जॉस्ट फैन, 1 टुल्लू मोटर, 1 हैंडपंप बरामद किया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक अभय नारायण सिंह, कांस्टेबल अखिलेश यादव, शुभ नारायण पांडे शामिल रहे। मानसून के मौसम में सबसे ज्यादा मच्छर जनित रोग डेंगू मलेरिया होने का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, हवा में कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस फैल जाते हैं, जिससे कई अन्य तरह की बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में मच्छर अधिक पनपने से डेंगू से सबसे अधिक लोग प्रभावित होते हैं। इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि मानसून को देखते हुए पूर्वांचल में सबसे बड़ी बीमारी इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार, डेंगू जैसी बीमारी जनपद में सबसे लोगों को प्रभावित करती है। इसी को ध्यान में रखकर नगर निगम पूरे वर्ष भर चूने के घोल को बनाकर छिड़काव करता है, तथा 45 से ऊपर छिड़काव और फॉगिंग करने वाली टीम द्वारा प्रत्येक वार्डों में लगातार फॉगिंग कराया जाता है, जिससे कि कहीं पर मच्छर ना पनपने पाए। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर जहां पानी का जमाव होता है, यहां पर भी लगातार एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाता है। उन्होंने बताया कि नगर निगम पूरी अपनी संवेदनशीलता के साथ जिम्मेदारी के प्रति सतर्क है और लगातार प्रयास करता रहता है और लगातार कार्रवाई की जा रही है, कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, मानसून को ध्यान में रखते हुए और वैसे भी चूंकि पूर्वांचल में जो एक सबसे बड़ी जो बीमारी है आप कह सकते हो कि इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार, डेंगू आदि जो है इस गोरखपुर में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती रही है, और आप कह सकते हैं गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल में ये सभी इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, डेंगी आदि, इससे आम जनमानस सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार इस खाली मानसून के सीजन में ही नहीं, वरन पूरे वर्ष भर लगातार जो है चूना और मिलिथियन के घोल का छिड़काव हम लोग करते रहते हैं। कई बार हम लोग लगातार जो हमारे पास 45 से ऊपर सिर्फ छिड़काव फॉगिंग कराने वाले की टीम जो है, उनकी टीम के माध्यम से हम लोग वार्ड वाइज जो है फॉगिंग कराते रहते हैं कि जिससे कि मच्छर ना पनपने पावे। इसके अलावा एंटी लार्वा का छिड़काव जो है मशीन मैनुअली जो है हम लोग जगह जगह जो नालियाँ हैं जहाँ पर पानी जमाव होता है, या लोगों के घरों में जैसे कूलरों में, टायरों में, या ऐसी जहाँ मतलब गंदगी वाली जगहों पर लगातार हमारा जो है छिड़काव चलता रहता है। इसके साथ साथ कई बार ऐसे भी आता है कि जब लगता है कि कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, उस समय हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो घोल होता है उसका भी हम लोग छिड़काव जो है कराते रहते हैं। तो निश्चित रूप से इसके साथ ही हमारे जितने हमारे साथी पार्षद साथीगण हैं या हमारी मोहल्ला निगरानी समिति है, उसके माध्यम से हम सभी को उसमें जो सदस्य होते हैं, पार्षद जी उसके अध्यक्ष होते हैं, उसके अलावा हमारे सुपरवाइज़र, सफाई कर्मचारी, आशा बहुएँ, ANM, ICDS की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका, इस सभी पूरी टीम में लेखपाल, पुलिस के जो सिपाही इस टीम में सदस्य होते हैं, और ये सभी लोग मिलकर जहाँ जहाँ लगता है कि प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे हम लोग क्लोरीन की भी गोलियाँ बंटवाते हैं। हम जो मेडिकल किट मिलता है जो हमको CMO साहब के ऑफिस से भी, उसको भी हम लोग वितरण करने में बड़ा बड़ा सहयोग नगर निगम के माध्यम से कराते हैं। तो नगर निगम चूँकि संचारी रोगों पर इस वक्त विशेष अभियान चल रहा है, विशेष संचारी रोग का अभियान का भी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 जुलाई 2022 से BRD मेडिकल कॉलेज से ही किया, जिसमें कि नगर निगम की टीम ने पूरा उसमें पार्टिसिपेट किया था। हमारे सभी वाहन और जो जिन गाड़ियों से हम फॉगिंग कराते हैं, जिन गाड़ियों से हम छिड़काव कराते हैं, उन सब ने उसमें भाग लिया था। तो नगर निगम पूरा अपनी इस पूरी संवेदनशीलता के साथ अपनी इस जिम्मेदारी के प्रति सतर्क है और लगातार हम इसमें एक्शन करते रहते हैं, और कहीं से भी CMO साहब के माध्यम से ये पता चलता है कि ये अति सघन प्रभावित क्षेत्र है तो वहाँ पर हम उस क्लस्टर में विशेष ध्यान भी देते हैं।
तो निश्चित रूप से लगातार कार्रवाई चल रही है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जनपद में बीएड की प्रवेश परीक्षा 51 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में सकुशल संपन्न हुआ। आपको बता दें कि बीएड प्रवेश परीक्षा में 22,600 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, जिसमें 20,725 परीक्षार्थियों ने भाग लिया तथा 1,855 परीक्षार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था, जिसकी निगरानी बरेली से की जा रही थी। जिसके संबंध में बीएड परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी ने बताया कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन करंट अफेयर के प्रश्न बहुत कठिन थे, जिसमें कम हो पाया है। कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि पेपर पहली बार दिए हैं, उम्मीद है कि पास हो जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएड का परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने कहा, सर छापिए का पंखा उंखा नहीं इनके स्कूल में। अंकिता पांडे, किसका एग्जाम था? बीएड का। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा था, ठीक था। इससे पहले भी कर लिया? हाँ, इसके पहले मैंने दिया हुआ था, बट मुझे कंबाइंड एग्जाम का नहीं पता था, मैंने सेंटर ड्यूज का ही दिया हुआ था। अच्छा था पेपर। अमित गुप्ता, किस तरह के क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन अच्छे थे, जो जीएस के क्वेश्चन थे हिस्ट्री से थे, अच्छे क्वेश्चन थे, मॉडरेट ही था पेपर। उससे पहले भी एग्जाम दिया हमने? हाँ, पिछले बार दिया था। क्या लग रहा है आज पेपर देते? हाँ, थोड़ा पढ़ कम आया था, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन कम कर पाया था। अजीत कुमार, अच्छा क्या सर, इससे पहले आपने एग्जाम दिया? नहीं, अभी नहीं थे, बट हम लोग जनरल तैयारी किए थे। क्वेश्चन किस तरह के आए? क्वेश्चन सर वही था, मतलब जैसे क्या बोलते हैं सर, उम्मीद देखिए क्या होता है, अच्छा पेपर गया, देखिए क्या होता है। पल्लवी से। ये बीएड का परीक्षा था, कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा। इससे पहले भी दिया एग्जाम आपने? नहीं। किस तरह के क्वेश्चन आए थे? बढ़िया क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन आया। क्या लग रहा है आज पेपर देखे? अभी तो बाकी है ना, उसको फाइनल होने दीजिए। प्रज्ञा पांडे, बीएड का परीक्षा था, कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा गया है। इससे पहले भी एग्जाम दिया गया? नहीं नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट। क्वेश्चन किस तरह के आए थे? इजी आए थे, करंट अफेयर्स ज़्यादा आए थे। क्या लग रहा है आज पेपर देखे? लग रहा है निकल जाएगा। मेरा नाम निक्कू है, ठाक हुआ है, मतलब क्या, हिंदी का तो बहुत अच्छा था, और ये करंट अफेयर मतलब ये जनरल नॉलेज वाला जो था वो तो थोड़ा डिफिकल्ट था। हाँ, अच्छे क्वेश्चन आए थे, टफ नहीं थे, जैसे ये करंट अफेयर लेटेस्ट वाले जितने थे वही आया था। क्या लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, एकदम एकदम। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में बेनीगंज स्थित महानगर कार्यालय तथा महानगर के सभी बूथ स्तर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस मनाया गया तथा उनके चित्र पर फूलों से पुष्पांजलि भी अर्पित किया गया। जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देने वाले शिक्षाविद व प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पर महानगर पार्टी कार्यालय पर जन्मदिवस मनाया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 का कड़ा विरोध किया था। भारत के स्वतंत्रता के बाद अंतरिम केंद्र सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया था, लेकिन सरकार द्वारा लिए गए कुछ फैसलों के विरोध में उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। जम्मू कश्मीर राज्य का अलग संविधान बनाने के विरुद्ध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी आवाज उठाई थी। किसी राज्य के लिए अलग संविधान बनाने के पक्ष में नहीं थे, इन्होंने हमेशा ही उन चीजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई जो देश की भलाई के विरोध में लगती थी, और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ही उन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन किया था।
एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा का नारा देने और देश की एकता और अखंडता हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, महामंत्री देवी श्रीवास्तव, अच्युतानंद शाही, ओम प्रकाश शर्मा, शिवम पांडे, पंकज जायसवाल, प्रिय पाठक, दिनेश जायसवाल, सुरेंद्र चौबे, श्वेता श्रीवास्तव, मीना श्रीवास्तव सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। डबल फाइव टू टू आज भारतीय जनता पार्टी हम के संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिवस है। भारतीय जनता पार्टी आज उनके जन्मदिवस पर सभी जगह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर रही है और सभी बूथों पर वृक्षारोपण अभियान का भी कार्यक्रम चल रहा है। हमारा वृक्षारोपण के अभियान के कार्यक्रम का शुभारंभ 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के दिन से प्रारंभ हुआ था और आज 6 जुलाई को उनके जन्मदिवस तक वृक्षारोपण अभियान चलना था। उसी निमित्त गोरखपुर महानगर में लगभग 931 बूथों पर 10,000 पौधे लगाने का भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य लिया था और हमको बहुत प्रसन्नता है कि वो लक्ष्य हम सभी ने पूरा किया। लगभग महानगर के अंदर 10,000 वृक्ष पौधारोपित किए गए और आज के दिन उनके जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर उनको नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और उनके बताए रास्ते पर हम सभी चलने का प्रयास कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के वजह से ही कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुआ। दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा एक समय, यह नारा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिया था और परमिट सिस्टम का विरोध करते हुए कश्मीर के अंदर प्रवेश किया था। उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार केंद्र में थी, जिसने अपने मित्र शेख अब्दुल्ला की सरकार से कहकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को गिरफ्तार कराया था और उनकी निर्मम हत्या जम्मू कश्मीर की जेल में हुई थी और उसकी परिणत ये रही कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जन आंदोलन खड़ा हुआ और जवाहरलाल नेहरू को अपने उसमें वापस होना पड़ा और उन्होंने परमिट सिस्टम को समाप्त करना पड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस देश के लिए आज़ाद हिंदुस्तान में यदि किसी नेता ने, किसी पार्टी ने बलिदान दिया है तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया है कि हमारा देश एकजुट रहे, हमारा देश एकजुट रहे और पूरे देश के सभी नागरिकों को कहीं किसी भी राज्य में जाने पर कहीं कोई परमिट सिस्टम न लगे। इसके लिए हम सभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को हमेशा याद करते हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, बकरीद, कांवड़ यात्रा तथा सावन मेला की तैयारियों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
सोमवार की रात्रि में दरोगा के लड़के की गोली मारकर हुई हत्या में वांछित एक अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। नगर निगमों से संबंधित जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए डेडिकेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के राज्यव्यापी टोल फ्री नंबर 1533 का नगर विकास मंत्री ने किया शुभारंभ। कहा 1533 टोल फ्री नंबर पर शिकायतकर्ता दर्ज करा सकेंगे अपनी शिकायत। कंट्रोल रूम में किसी ने फोन नहीं उठाया तो शिकायतकर्ता की कॉल अपने आप सीधे लखनऊ से कंट्रोल रूम में हो जाएगा ट्रांसफर। निश्चित अवधि के भीतर गुणवत्ता परख होगा शिकायतों का निस्तारण। अमरूद बाग में हुई हत्या में वांछित एक शातिर अपराधी को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त गमछा, मृतक का चीलम किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। संभव पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगर विकास मंत्री ने की समीक्षा। नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने शिकायतकर्ताओं से किया संवाद। शिकायतों के त्वरित निस्तारण से शिकायतकर्ता दिखे संतुष्ट। जल शक्ति अभियान को लेकर भारत सरकार के ग्राम विकास विभाग के निदेशक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश में जनपद को मिला दूसरा स्थान। आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कहा, 5 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक अंत्योदय आयुष्मान पखवाड़े में 100% लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाने का रहेगा प्रयास। घर में घुसकर चोरी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 सीलिंग फैन मोटर, 1 टुल्लू पंप मोटर, 1 हैंडपंप सहित अन्य सामग्री किया बरामद, भेजा जेल। मानसून के मौसम में मच्छर जनित रोग, डेंगू, मलेरिया, बैक्टीरिया और वायरस से निपटने के लिए नगर निगम ने कसी कमर। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, प्रत्येक वार्डों में छिड़काव और फॉगिंग करने वाली टीमों द्वारा लगातार कराया जा रहा है फॉगिंग और छिड़काव। बीएड प्रवेश परीक्षा 51 केंद्रों पर सकुशल हुआ संपन्न। 22,600 परीक्षार्थियों में से 20,745 परीक्षार्थी परीक्षा में हुए शामिल। 1,855 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। और महानगर भाजपा के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में मनाया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया उन्हें याद, लिया गया उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।